नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हिलाल अकबर लोन ने गुरुवार को दावा किया कि सांसद एर राशिद और उनके सहयोगी भाजपा के एजेंट हैं। उन्होंने कहा, हम पहले ही कह चुके हैं कि वह भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं, वे या उनके एजेंट हैं और उनकी पार्टी के सभी सहयोगी भी भाजपा के एजेंट हैं। उन्हें पता था कि एनसी जीतेगी, हमने इस परिणाम की उम्मीद की थी और नतीजों ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा, एनसी नेता ने कहा कि वे जम्मू कश्मीर के विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने कहा, हम अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ना जारी रखेंगे, हम इस मुद्दे को उठाएंगे भले ही इसके लिए हमें जेल जाना पड़े। हमने जो एक्सपेक्ट किया था वही है, रिजल्ट उसी हिसाब से आया है। जिस तादाद से और जिस जज्बे से लोगों ने हिस्सा लिया है इलेक्शन में, खासकर हमारे इलेक्शन में जलसे जुलूस में, उसे हमने भाप लिया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में सुनावारी जीत दर्ज करेगा। और ये जो आपने कहा कि 14,500 की लीड से हमने जो सीट जीती है, ये मुझे लग रहा था कि इट वॉज एक्सपेक्टेड, बट आई वॉज एक्सपेक्टेड इट वुड बी अराउंड 10 or 11,000 वोट्स, बट इट हैज़ गॉन बियॉन्ड दैट।